उसका अपन बात कर रहे थे, अपवर्तन वाला लेसन पढ़ रहे थे, और यानी अपवर्तन और परावर्तन, या हम कहते हैं कि लेंस और दर्पण वाला जो पाठ है उसमें अपन लास्ट में अपवर्तन के बारे में बात कर रहे थे। और अपवर्तन जो होता है वो क्या होता है, अपवर्तन का प्रायोग सत्यापन आपको बताया था, इसके अलावा अपवर्तन के कारण बताए थे, नहीं इसके अलावा एक शब्द आया था अपने सामने अपवर्तनांग, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे अपवर्तन के उदाहरण जो हमें अपने आसपास प्रकृति में देखने को मिलते हैं, यानी कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो अपवर्तन पर आधारित होती हैं उनको अपन एक एक करके देखते हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारा टॉपिक है अपवर्तन की उदाहरण, और अपवर्तन के उदाहरण में अपन बात करेंगे सबसे पहले नंबर एक, यानी जब सूर्य उदय होता है या जब सूर्य अस्त होता है, यानी सूर्योदय की कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त की कुछ समय, सूर्यास्त की कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना। क्या होता है, सूर्योदय के कुछ समय पहले, यानी सुबह जब सूर्योदय होता है या सूरज जो होता है वो उगता है उससे कुछ समय पहले, और शाम के समय यानी सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना, ये किस पे आधारित है, अपवर्तन पर आधारित घटना है जिसका हमें मालूम नहीं चलता लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि सूर्य जब अभी उगा नहीं है अर्थात सूर्योदय हुआ नहीं है उससे 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है, और इसी प्रकार शाम को जब सूर्यास्त हो चुका होता है उसके बाद भी लगभग 2 मिनट बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है अपवर्तन के कारण। देखिए क्या होता है, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, यानी गैसों का आवरण, समझ रहे हो, इसके चारों ओर क्या है, गैसों का आवरण है। यदि हम बात करें क्षितिज की, भाई सूर्य सूर्यास्त और सूर्योदय अपन कहते हैं सूर्यास्त हो गया या सूर्योदय हो गया, यानी सूरज छिप गया या सूरज उग गया, सूरज कहीं छिपता नहीं है ना सूरज कभी उगता है, या सूर्यास्त ना होता है ना उदय होता है, ये केवल पृथ्वी का जो घूर्णन है इसके कारण हमें सूर्य कुछ समय पश्चात दिखाई देना बंद कर देता है, फिर कुछ समय बाद यह वापस दिखाई देने लग जाता है, यानी 12 घंटे तक सूर्य हमें दिखाई देता है, 12 घंटे बाद सूर्य जो है वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है और अगले 12 घंटे बाद तक वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो कहां चला जाता है वो सूर्य, कह रहा है वो क्षितिज के नीचे चला जाता है, ये जो पंक्ति है सीधी हमारी आंखों के सामने उसको बोलते हैं क्षितिज। इस पंक्ति से या इस सीधी रेखा से नीचे यदि सूर्य चला जाए तो या तो सूर्य अस्त हो चुका है या सूर्य अभी उगा नहीं है, यानी इससे ऊपर रहेगा तो ही सूर्य हमें दिखता है। कैसे, देखिए यह दिशा होती है पूरब और ये दिशा होती है पश्चिम, आप सब जानते हो सूर्य उदय किस दिशा में होता है, पूर्व में, और सूर्यास्त कहां होता है, पश्चिम में, ठीक है।
अगर अपन बात करें कि सूर्य भी उगा नहीं है लेकिन पहले ही क्यों दिखाई देता है, मान लीजिए सूर्य यहां पे, ये सूर्य की क्या है वास्तविक स्थिति, सुबह की बात कर रहा हूं मैं, मॉर्निंग में सूर्य अभी सीधी से नीचे है, यानी इसकी क्या है वास्तविक स्थिति है। अब कह रहा है कि आप जब पृथ्वी पे खड़े हो, ये पृथ्वी है, यहां से देखने वाला व्यक्ति सूर्य को देख लेता है, सूर्य डूबा नहीं है, कैसे देख लेता है, देखिए सूर्य से तो प्रकाश की किरणें धरातल की ओर आती हैं, तो कह रहा है कि जैसे जैसे पृथ्वी की ओर आती हैं तो प्रकाश की किरणों को गैसों के सघन और विरल माध्यम में से गुजरना पड़ता है, जिससे वो प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं अपवर्तित होती हुई आती हैं। यानी यहां की बात करें जो सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, यहां पे गैसों का आवरण बहुत हल्का है, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी की ओर आते हैं तो गैसों का आवरण सघन होता जाता है, अर्थात यहां जो माध्यम है वो विरल होता है और यहां जो माध्यम होता है वो सघन होता है। सघन और विरल मैं आपको बता चुका हूं, सघन क्या होता है जहां गैसों के कण पास पास हों तो उसको सघन कहते हैं, और जब गैसों के कण दूर दूर हों तो उसको विरल कहते हैं। यहां से कहता है कि प्रकाश किरणें कहां से, अभी क्षिति से नीचे है सूर्य, और वहां से प्रकाश किरणें जो पृथ्वी पे आती हैं, इस तरह से देखिए, यहां से इस तरह से पृथ्वी की ओर जब प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो कह रहे हैं जैसे जैसे पृथ्वी के पास आती हैं, तो विरल से कहां प्रवेश करती हैं, सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। ये यहां पर क्या है अभिलंब है, ये प्रकाश किरण आई और इस पर आपतित होती है। अब आप देखिए प्रकाश किरणें विरल से किस में जा रही हैं, सघन में जा रही हैं, और जब प्रकाश किरणें विरल से और सघन में जाती हैं तो क्या करती हैं अभिलंब की ओर झुकती हैं या अभिलंब से उलटती हैं। अरे बोलिए, वेग कम हो जाएगा या वेग बढ़ेगा, वेग कम हो जाएगा, जिसके कारण प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं इस प्रकार से। और वास्तव यदि हम इसको देखें तो प्रकाश किरण हमें इधर से ना आती हुई दिखाई दे करके, और देखने वाले को प्रकाश किरण यहां से आती हुई प्रतीत होती है, यानी सूर्य उसको यहां देखे। आभासी क्या हुआ, सूर्य क्षिति से नीचे है, प्रकाश किरणें विरल से सघन में आती हैं, तो अभिलंब की ओर झुक गई, और अभिलंब की ओर झुक जाने के बाद जब प्रेक्षक है, प्रेक्षक का मतलब देखने वाले आप और हम हो सकते हैं, तो ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से मुड़ती है, तो प्रकाश आपकी आंखें तो सीधा देख सकती हैं, तो ये किरण हमें यहां से डैश डैश बन रहा है, डैश डैश का मतलब आभासी, ये प्रकाश किरणें इधर से आती हुई हमें प्रतीत होती है, और ऐसा लगता है कि सूर्य यहां पर है, यानी सूर्य अभी उगा नहीं है, उगने से यानी सूर्य उदय होने से पहले ही हमें सूर्य यहां दिखाई दे रहा है, अर्थात छिद्र से बाहर आ चुका है, और ये कितना समय होता है 2 मिनट, यानी 2 मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखाई देने लग जाता है। ये तो होगी सुबह की बात। जस्ट इसी प्रकार शाम के समय की बात करें, जब सूर्यास्त होगा, सूर्य ये क्षितिज है, और क्षितिज का मतलब क्या हो गया कि सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य यहां पहुंच चुका है, यानी क्षितिज से नीचे चला गया तो सूर्य क्या हो गया अस्त हो गया, यानी हम कहेंगे वास्तविक स्थिति। सूर्य की वास्तविक स्थिति है, वही बात है, प्रकाश किरणें विरल से किसमें जाएंगी, पृथ्वी की धरातल की ओर जाएंगी, तो सघन माध्यम है यहां पे, तो प्रकाश किरण विरल से सघन में अगर जाएगी इस प्रकार से, तो यहां पे अभिलंब है, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि वेग कम हो जाएगा, और वेग कम होगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और ये प्रकाश किरण यहां से ना आकर के और ये हमें यहां से आती हुई प्रतीत होती। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये कि सूर्य अस्त हो चुका है,
लेकिन फिर भी 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई दे रहा है, किस कारण से? अपवर्तन के कारण, समझ रहे हो? अपवर्तन के कारण से सूर्य हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तन के कारण कुल यानी 2 मिनट यहां और 2 यहां कुल 4 मिनट है, कुल टोटल जो समय होता है दिन रात्रि का उसमें 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। किस वजह से? अपवर्तन के कारण। सूर्य वास्तव में यहां पे है लेकिन अपवर्तन कारण हमें यहाँ दिखाई देने लग जाता है, कब? 2 मिनट पहले ही। सूर्य वास्तव में अस्त हो चुका है लेकिन अपवर्तन कारण हमें यही दिखाई देता रहता है, अपवर्तन के कारण। और इस प्रकार से कुल टोटल 4 मिनट की वृद्धि दिन के समय में हो जाती है। ठीक, इसके बाद आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।